स्वागत है आप सभी का धीर टीवी में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। न्यूज दिशाओं में आज बात रुपया दिरहम समझौते की, जो कि अभी प्रोसेस में है। आपको जानकर यह ताजुब होगा कि दुनिया का लगभग 75% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के लगभग 33% कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या का 60% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है और यही कारण है कि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंसी भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम दो देशों के बीच में लोकल करेंसी के माध्यम से व्यापार करें, यानी डॉलर को लेन देन के माध्यम के रूप में हटा दें, तो हमारी व्यापार लागत काफ़ी कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसी तरह के लागत और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत लगातार कोशिशें कर रहा है। रुपए में विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाले ब्रेकर्स या दिक्कतों की आशंका को खत्म करने के लिए भारत अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है। दरअसल सरकार की मंशा साल 2047 तक इंडियन करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करने की है। इसी क्रम में संयुक्त अरब अमीरात और भारत जल्द ही रुपया दिरहम समझौता करने वाले हैं। इसको बस औपचारिक स्वरूप देना बाकी रह गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के संबंध हालिया वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं और संभावना है कि अगले 102 सालों में दोनों देशों के बीच का आपसी व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। अभी मौजूदा वक्त में चीन और अमेरिका के बाद यूएई का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत ही है। सवाल उठता है कि अगर रुपया दिरहम समझौता साकार रूप ले लेता है, यानी दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में व्यापार शुरू हो जाता है, तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं। दरअसल अभी वर्तमान में दोनों देश आपस में व्यापार भुगतान को निपटाने के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग करते हैं। यदि वे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू करते हैं तो दोनों देशों को विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क, अंग्रेजी में कहें तो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फीस, नहीं देना होगा, जिसकी वजह से पूंजी की बचत होगी और सामान भी सस्ता रहेगा। साथ ही स्थानीय करेंसी में व्यापार से पूंजी का काफ़ी आसानी से प्रवाह हो जाएगा, यानी कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा। निर्यातकों और आयातकों के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। यहां आपको बता दें कि लोकल करेंसी में व्यापार करने का मतलब ये हुआ कि इधर से, यानी भारत से अगर कोई व्यापारी कुछ निर्यात कर रहा है तो उधर से यूएई की तरफ से उसको रुपए में पेमेंट किया जाएगा, और अगर यूएई का कोई व्यापारी भारत में कुछ निर्यात कर रहा है तो इधर से उसको दिरहम में पेमेंट किया जाएगा। डॉलर की कोई भूमिका रहेगी ही नहीं। एग्रीमेंट प्रभावी होने के बाद रुपया दिरहम में व्यापार दोनों देशों के बैंकों के वोस्त्रो अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि जब किसी देश का कोई घरेलू बैंक विदेश की किसी बैंक में मुद्रा रखता है तो उसे वोस्त्रो अकाउंट्स कहते हैं। ये एक रशियन शब्द है। उदाहरण के लिए एक रूसी बैंक मान लीजिए भारत में किसी बैंक के साथ एक रुपया खाता खोलता है और उसमें 10 लाख रुपए डाल देता है, और अब मान लीजिए कि 1 रुपये का विनिमय दर 1.4 रूबल है, रूबल रूस की करेंसी है, तो ऐसे में भारत की देनदारी 10.4 लाख रूबल हो जाएगी। अब यदि कोई भारतीय व्यवसायी बिजनेसमैन किसी रूसी खरीदार को 10 लाख रुपये का सामान निर्यात करता है तो भारतीय बैंक रूसी बैंक के इसी वोस्त्रो खाते से डेबिट कर देगा और लेन देन को चुकता कर दिया जाएगा। भारत इसको वोस्त्रो खाता कहेगा, अपने यहाँ जो खोला गया है, और रूस जिसने खोला है, जिसका खाता खोला गया है, रूस इसे नोस्त्रो खाता कहेगा, यानी खाता एक ही है, उसका नाम अलग अलग हो गया है। कुल मिलाकर अगर यह मौजूदा समझौता साकार रूप लेता है तो भारतीय रुपया और भी ताकतवर हो जाएगा। इसके साथ ही डॉलर के मजबूत होने की स्थिति में सामानों की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।